हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, तुनिशा शर्मा डेथ केस। हस्ती खिलखिलाती एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। तुनिशा ने 24 दिसंबर को अपने शो के सेट पर फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया था। तुनिशा का बीते दिन अंतिम संस्कार हुआ, यानी कि 27 दिसंबर को। वेल दोस्तों, ऐसे में आपको बता दे कि शिजैन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला है। जी हाँ, तुनिशा शर्मा के सुसाइड करने का जिम्मेदार एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड और को एक्टर शिजान खान को माना जा रहा है, जो उनके गोइंग ऑन सीरियल अलीबाबा दास्तान काबुल में अलीबाबा का किरदार निभा रहे थे। तुनिशा की मां ने शिजैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तुनिशा की मां का कहना है कि शिजैन उनकी बेटी को धोखा दे रहा था। शिजैन के कई दूसरे लड़कियों के साथ संबंध थे। शिजैन ने तुनिशा को छोड़ दिया था। इस बात से परेशान होकर तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठाया। वह दोस्तों, तुनिशा की मां के आरोपों के बाद पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अब पुलिस ने भी शिजैन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड होने की पुष्टि कर दी है। जी हाँ, यानी कि पुलिस ने भी इस बात का दावा कर दिया है कि सच में सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। जानकारी के मुताबिक वालिफ पुलिस ने लड़की की पहचान की है, लेकिन अभी तक उसका बयान दर्ज नहीं किया है। साथ ही शिजैन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ उनके पुराने डिलीट किए हुए चैट को भी रिट्रीव करना अभी बाकी है। पुलिस ने सेट पर शूट का DVR कब्जे में लिया है। पुलिस उससे ये समझने की कोशिश कर रही है क्या शूट के बीच दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ, ऐसी कोई बात हुई जो उनके चेहरों के हाव भाव से समझा जा सके। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस पर, हमें अपने व्यूज जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि वालिफ पुलिस ने रॉ फुटेज को भी कब्जे में लिया है। वालिफ पुलिस की पूछताछ में शिजैन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात सामने आने से इस केस में नया मोड़ आ चुका है। शिजैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शिजैन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का नाम पुलिस ने डिटेल्स के साथ इस वक्त रिवील करने से इनकार कर दिया है। हमें अपने व्यूज आप कमेंट करके जरूर बताएं इस खबर के ऊपर क्या कहेंगे आप। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।